लोकतंत्र के सबसे छोटे चुनाव कहे जाने वाले पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मी सामग्रियां लेकर शुक्रवार को अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। पंचायत चुनाव के लिए जिले में 1217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 6,72,000 से भी ज्यादा मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हुए उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 25 जून को मतदान होना है। इसके लिए प्रत्येक जनपद से मतदान कर्मी सामग्रियां लेकर रवाना हुए। इंदौर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 303 मतदान केंद्रों के लिए शासकीय कला एवं वाणिज्य कॉलेज से मतदान दलों को सामग्रियां वितरित की गई। पंचायत चुनाव में मतपत्रों का उपयोग किया जाना है। शुक्रवार को मतदान दलों को जो सामग्री दी गई, इसमें मत पेटी के साथ ही मतपत्र भी दिए गए। जिले में 1217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6,72,310 मतदाता चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सामग्री वितरण के दौरान इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह भी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पहुंचे और उन्होंने मतदान दल में जा रहे कर्मचारियों और अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि बारिश को देखते हुए मतदान केंद्रों के साथ ही मतदान दलों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। है, आज सुबह से उसी में सब दलें रवाना हो गए हैं, दल अधिकांश दल रवाना हो गए हैं सभी, और आज सब अपने पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर वाइज पुलिस बल की व्यवस्था हो गई है, सेक्टर ऑफिसर लगाए जा चुके हैं, मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गए हैं, सभी लोग अपनी टीम के वहाँ सुरक्षित पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए कोई समस्या तो नहीं है। मजिस्ट्रेट सब विजिट कर रहे हैं, अभी रात तक सारे पोलिंग स्टेशन हम लोग विजिट हो जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का मतदान है। कुछ केंद्रों पे जरूर हम लोगों को संवेदनशीलता दिख रही है, वहाँ पर पोलिंग के दौरान भी स्पेशली काउंटिंग में संवेदनशीलता ज़्यादा दिख रही है। जहाँ ऐसे केंद्र हैं वहाँ सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को बोला गया है कि वो लास्ट में मर्ज होंगे उन्हीं पोलिंग स्टेशन में जहाँ काउंटिंग को लेकर सेंसिटिविटी के दौरान। इस मामले में तो नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई थी, कुंदरिया पंचायत में थी, डोगरगांव पंचायत में थी, उसकी जांच पहले से चल रही थी, उसके FIR की स्टेज आई थी, अभी तो उसमें FIR हुई है। नहीं, कुछ प्रत्याशियों द्वारा पथराव और इस तरह की कुछ की? हाँ, उसमें FIR हुई है, वो कार्रवाई हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 17 वार्ड, जनपद सदस्य के 100, सरपंच के 1,259 और पंच के 3,345 वार्ड में चुनाव होंगे। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।